गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक नए पार्ट में आए हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर, राइट। सेमीकंडक्टर, अब ये मत बोलना कि मैम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नो बेटा, अभी विल डिस्कस सेमीकंडक्टर व्हेन मिक्स्ड विद सॉलिड स्टेट, राइट। सॉलिड स्टेट और इसमें खूब भर के क्वेश्चन आते हैं गेट, और गेट में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब इसको इसके साथ मिक्स कर देते हैं तब ये नेट वाले पोस्ट है, CSIR नेट में, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जिसमें हम आज का जो डेट होगा, आज के डेट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, सम क्वेश्चंस ऑब्वियसली, बट बिफोर क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बताऊंगी, प्लस बैंड्स बताऊंगी, ठीक है। फिर बैंड्स बनाने के बाद हम लोग बोलेंगे कैसे इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक जा सकते हैं और कैसे एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग जा सकते हैं। फिर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे फर्मी लेवल के ऊपर, ठीक है। फर्मी लेवल कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, शिफ्ट कहाँ होगा, एक्सट्रिंसिक रीजन, इंट्रिंसिक रीजन, आयनाइजेशन रीजन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और साथ में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसका एक और पार्ट आएगा, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, सेकेंड पार्ट भी इसका आएगा, सेकेंड पार्ट में बेटा आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं कि पहला सेमीकंडक्टर। अब देखो जो बेसिक आप लोग बहुत पहले से पढ़ के आए हो, हम वहाँ पे डायरेक्ट रिवीजन करेंगे बिकॉज वी हैव टू सेव टाइम, राइट। अब सेमीकंडक्टर में जब हम लोग पहले बोलते थे तो सेमीकंडक्टर क्या है, जब हम बैंड स्ट्रक्चर से उसको डिस्कस करेंगे, जब हम बैंड स्ट्रक्चर से बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि बैंड स्ट्रक्चर में जब ओवरलैपिंग हो जाएगी, जब ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ओवरलैपिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मेटल्स हो जाएगा, राइट। ये आपका कंडक्शन बैंड, सॉरी ये आपका वैलेंस बैंड होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, जहां पर हम बोलते हैं कि ये सारी चीजें फिल्ड होती है इलेक्ट्रॉन से और ये खाली रहता है इलेक्ट्रॉन से। अगर ये बात हम लोग सेमीकंडक्टर की करें, बट ये मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में ये दोनों बैंड जो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका मेटल्स हो गया। अगर आप बात सेमीकंडक्टर के की लाया जाए तो सेमीकंडक्टर में ये जो बैंड गैप होता है, इसमें बैंड गैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि ये सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, तो ये बैंड गैप जो है ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आता है। ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि हम लोग ये फिल्ड रहते हैं, हाँ, और जबकि ये एम्प्टी रहते हैं, ये क्या रहते हैं, एम्प्टी, और ये क्या रहते हैं, फिल्ड, राइट। तो जब हम बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, जो टेम्परेचर राइज के रूप में जाता है, तो ये ऊपर से की तरफ ट्रैवल करता है, आपके इलेक्ट्रॉन जो आपके ऊपर बैठे हुए टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल पर, देखो ये क्या है, यहाँ की टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है, याद रखना दो वर्ड, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, और ये क्या है, ये है लोअर मोस्ट, एनर्जी लेवल, याद रहेगी दोनों चीज, ठीक है। तो जब इसका इस, और ये अगर हम बताएं इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स के बाद मैं के बारे में ये होगा कि ये जो ईजी है, ये जो आपका ईजी है वो बहुत ज्यादा होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, राइट। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए सबसे पहला डेफिनेशन जो अगर हम लोग बोले, तो क्या एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, क्या अलग है? देखो जब हम नॉर्मली एक 0 डिग्री, ये RPSC में बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं, इवन जो आपके रिसर्च के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, PhD एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी बहुत बार पूछते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि 0 डिग्री केल्विन पर, बस 0 केल्विन पर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो की बात करो हमारे फर्मी लेवल की, चाहे वो डोप डो नहीं डोप डो, इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक सेमीकंडक्टर को बोलूं, तो सेमीकंडक्टर बेटा एक इंसुलेटर होगा, कब होगा, 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह करेगा बिहेव, राइट। उसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम भी वैसे ही होगा,
वैसा ही होगा, याद रहे। लेकिन जैसे ही हम कुछ डोपिंग करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या है, इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है इतना? ये तुम्हारा मेन मैथ है। दूसरी बात आती है कि किसकी, फर्मी लेवल की। फर्मी लेवल की, अब ये फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल का बेसिक डिफरेंस आप लोगों को बहुत सारे कोचिंग से बहुत सारे ट्रिक्स बताए जाते हैं कि ये इसके पास जाएगा, वो उसके पास रहेगा, कंडक्शन बार के पास रहेगा, और फर्मी लेवल का भी आपके बैलेंस बैंड की तरफ पास रहेगा, तो कभी ये ईडी के पास, डोनर लेवल के पास रहेगा, या कभी ये एक्सेप्टर लेवल के पास रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज ओनली वन डेफिनेशन, राइट। हमेशा याद रखना हमारे पास एक ही डेफिनेशन होता है। किसका? हमारे पास एक ही डेफिनेशन होता है फर्मी लेवल का, ई एफ। ये कहता है, ये कहता है कि मैं मिडिल में रहूंगा, मैं मिडिल, आई विल स्टे इन द मिडिल बिटवीन द कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल एंड वैकेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीटली फिल एनर्जी लेवल किसके, टॉप मोस्ट के, और वैकेंट एनर्जी किसके, लोअर मोस्ट के। चलो अब इसको अच्छे से समझाते हैं, वी विल रब लाइक दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं। ओके, फर्मी लेवल क्या कह रहा है कि हम जो हैं, हम हमेशा बीच में ही स्टे करेंगे। अगर मैं एक इंट्रिंसिक, अब सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होगा और एक एक्सट्रिंसिक होगा, राइट। इंट्रिंसिक होगा और एक्सट्रिंसिक होगा। इंट्रिंसिक क्या कहेगा, इंट्रिंसिक कहेगा कि मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन के एंड होल्स के कंसंट्रेशन है वो इक्वल होंगे। ठीक है, जबकि हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे, डोपिंग के करने से क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स में मैनिपुलेशन रहेगा। एनर्जी लेवल या सर कंसंट्रेशन ही बोला एक्चुअली, मेनली कंसंट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, ओके। अगर इस फर्मी लेवल की बात आ जाओ, तो फर्मी लेवल अगर एक इंट्रिंसिक किस्म का है, सेमीकंडक्टर है जो कि एट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर लिया है, तो क्या होगा, ये आपका बैलेंस बैंड हो जाएगा, ये आपका कंडक्शन बैंड हो जाएगा। बैलेंस बैंड क्या रहता है, बैलेंस बैंड फील्ड रहता है। अगर इसके टॉप मोस्ट की बात करें और ये क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। अगर हम लोअर मोस्ट की बात करें, लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल की बात करें, ठीक है, तो फर्मी लेवल क्या कहेगा कि मैं इनके मिडिल में रहूंगा, ये मेरा मिडिल पॉइंट है। अगर मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हूँ, तो मैं इसके मिडिल में रहूंगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? और ये क्वेश्चन ना पूछा गया है आरपीएससी में, कि एक्सप्रेशन दे दिया गया है, और या एक्सप्रेशन पूछा है, या तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में ही था। ठीक है, सो अब क्या बात हुई, अब बोल रहा है कि चलो ये तो फर्मी लेवल बीच में आ गया, हम इसी को आगे भी कंट्रोल करेंगे, और अपने डेफिनेशन को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ, अगर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दूसरा कौन सा आता है, दूसरा हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कहता है कि मैं दो टाइप का बना सकता हूँ, एक एन टाइप का बना सकता हूँ और एक पी टाइप का बना सकता हूँ। ओके, आई कैन मेक, अब हम इसमें क्या करेंगे, एन टाइप में डोपिंग करेंगे, किसकी डोपिंग करेंगे, पेंटावेलेंट की डोपिंग करेंगे। ठीक है, और इसमें किसकी डोपिंग करेंगे, ट्राईवेलेंट की डोपिंग करेंगे। नाउ यू ऑल सेमी जो यहाँ पे प्रेजेंट हो, प्लीज सेमी, इवन ऑनलाइन बच्चे जो मेरे हैं वो प्लीज इसको कमेंट करो कि क्या होगा, पेंटावेलेंट कितने हैं और वो कितने हैं आपके ट्राइवेलेंट। ओके फाइन, एक तरफ क्या आएगा, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ आएगा, एक तरफ क्या आएगा, बोरोन एल्युमिनियम वाला सेक्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरफ बोरोन एल्युमिनियम वाला सेक्शन आएगा, इस तरफ पेंटावेलेंट बनाएगा, एन टाइप बनाएगा। अब पहले आ जाओ, हम लोग डिटेल में बात करते हैं आपके
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, ये तो ओवरव्यू था, अब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी लेवल के साथ डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ठीक है। तो पहले तो एक बार बैंड गैप की बात कर लेते हैं। देखो बैंड गैप को ध्यान रखना, बैंड गैप मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करेंगे। आई थिंक इट्स 2020 और 21 में कभी एक क्वेश्चन आ गया था आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप के ऊपर गेट में, ठीक है। और नेट में इसको क्या किया गया था कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में डाल के इफेक्टिव मास वगैरह की बात कही गई थी, ठीक है। सो अभी तो पहले ये देख लो कि अगर हम बैंड गैप की बात कर रहे हैं, बैंड गैप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखो क्या रहेगा, एक इंट्रिंसिक रहेगा। इंट्रिंसिक में हम सिलिकन और जर्मेनियम की ज्यादा बात करते हैं, राइट। और एक जो आर्टिफिशियल हम लोग डोपिंग करके इंट्रिंसिक बना देते हैं, इंट्रिंसिक बना देते हैं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल हम लोग अपने कमर्शियली ज्यादा करते हैं, जिसमें हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं इसका नहीं करते हैं। बिकॉज वाई, रिवर्स लीकेज करंट की बात होती है यहाँ पे, लीकेज करंट की बात होती है। इससे क्या होगा कि जो सिलिकन होगा और एक जर्मेनियम होगा, इन दोनों के बीच में एक रिवर्स लीकेज करंट की बात होती है। और वो क्या कहता है कि एक में तो ज्यादा होता है और एक में कम होता है। नाउ आंसर में किस में कम होता है और किस में ज्यादा होता है, दिस इज योर होमवर्क, कमेंट मी इन माई चैनल, राइट। आप लोग मुझे कमेंट करो, ऑनलाइन भी मुझे कमेंट करो, ठीक है। किस में ज्यादा होगा, सिलिकन में होगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सो आई विल नॉट टीच यू राइट नाउ। याद रखना, कभी कभी छोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं 1.4 थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका है, इसका 0.3 है, इसका 0.7 है, ठीक है। क्या, व्हाट आई एम सेइंग, कुछ भी, ये वोल्ट होता है, ये वोल्टेज होता है, ये भी इसका वोल्टेज होता है, जिसके बाद ये डायोड में राइज करने लगता है। पर बैंड गैप बताओ ये क्या है, ये इसका बैंड गैप है, ठीक है। और सिलिकन का बैंड गैप क्या होगा, सिलिकन का बैंड गैप, चलो बैंड गैप लिख देते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का बैंड गैप कितना होगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। डोंट कंफ्यूज। चलो अब हम जानते हैं कि ये जो सिलिकन हुआ या जर्मेनियम हुआ ये क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। अब जब हम ये डोपिंग करते हैं तो या तो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है या तो एक्स्ट्रा होल आता है। याद रहे जब एनर्जी लेवल से छोड़ के जाएगा, याद रहे अगर मैं एक इंट्रिंसिक की बात कर रही हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा, होल्स। ये है इसका फॉर्मूला का, ये है इसका कंडक्शन लेवल, इसीलिए है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैं एक्सट्रिंसिक की बात कर रही हूँ, ये सिचुएशन बेटा जब हम डोपिंग करेंगे तब चेंज हो जाती है, ठीक है। और याद रखना, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉलोज डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन लोग के पास क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, इन लोग के क्या पास होती है, 4 वैलेंसी इनके पास होती है। और याद रखना कि जब ये डायमंड स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो इसके पास क्या होंगे, 4 नियरेस्ट नेबर्स होंगे। इसके मतलब क्या है कि डायमंड का स्ट्रक्चर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 नियरेस्ट नेबर होंगे। मेरे वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है डायमंड स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप देख लेना, 4 नियरेस्ट नेबर है, ठीक है, 4 नियरेस्ट नेबर है। अब मुझे बताओ कि अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछ चुका है कि एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल, एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल क्या हो जाएगी। हम लोग कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे बिकॉज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक ईसी होता है, ईसी क्या होता है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ईएफ क्या होता है, फर्मी एनर्जी हो जाएगी, ये तो पता ही है। ईवी क्या होता है, वैलेंस बैंड की एनर्जी होगी। एम ई स्टार और एम एच स्टार ये क्या होता है, इफेक्टिव मास होती है। किसकी इफेक्टिव मास होती है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ होल। पहली बार याद रखना, इफेक्टिव मास किसकी ज्यादा होगी, टेल मी, इफेक्टिव मास ज्यादा होती है होल्स की, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की कम होती है, जिसके वजह से इसी का रिजल्टेंट आता है कि जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है और होल्स की कम होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे,
तो अगर मैं बोलूं कि चलो ये तो मैंने बोल दिया कि जो बैंड गैप एट 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पर क्या होगा, बैंड गैप जो होगी, मैं इंट्रिंसिक की बात कर रही हूँ, इंट्रिंसिक की, अभी सारे कुछ इंट्रिंसिक की ही बात चल रही है। अगर इंट्रिंसिक में मैं एट टी टेम्परेचर पर बोलूं तो ईवी क्या हो जाएगा, मिडिल में, बीजी क्या हो जाएगा, बीजी के मिडिल में होगा, और बीजी क्या हो जाएगा, ईसी माइनस ईवी होगा, ईसी माइनस ईवी होगा कि नहीं। और बोला है कि मैं, ये तुम्हारा क्या है, ये बैंड गैप है बेटा, ये क्या है, बैंड गैप है, और इस बैंड गैप के बीच में ही क्या होगा, आपका फर्मी लेवल होगा, फर्मी लेवल होगा मिडिल में, ठीक है, फर्मी लेवल होगा मिडिल में। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर टी ले लूँ, देखो कैलकुलेशन करने आता है, कैलकुलेशन मुझे याद है, कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में पूछा था कि फर्मी लेवल बताओ, जबकि वो एक एट टेम्परेचर टी पे पूछा था, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा था कि 0 टेम्परेचर पे कितना होगा। सो वी विल राइट वन एक्सप्रेशन ओवर हेयर, वी विल राइट वन एक्सप्रेशन ओवर हेयर। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से अभी कुछ भी नोट करना है, बस अगर आपको कुछ भी लगे रनिंग नोट्स तो वो आप बना सकते हो, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर आई ऑलरेडी टोल्ड। तो अगर मैं बोलूं कि फर्मी लेवल, फर्मी लेवल एट टी टेम्परेचर ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ईएफ हो जाएगा तुम्हारा, एक तो दोनों का माइनस होगा, हाँ दोनों का माइनस होगा कि दोनों का प्लस होगा, टेल मी, हाँ टेल मी, टेल मी, ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक होगा तुम्हारा एक्सप्रेशन जो कि इफेक्टिव मासों को लेके चलता है, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4, साथ में तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ एनर्जी टी टेम्परेचर टी आएगी। अब आ जाएगा तुम्हारा इफेक्टिव मास वाला पार्ट, एम एच अवर एम ई, एम एच स्टार अपॉन एम ई स्टार, ठीक है, एम एच स्टार अपॉन एम ई स्टार, ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा किसी भी टेम्परेचर टी पर अगर तुम्हारा ई एफ कितना है। याद रहे ये क्वांटिटी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारी लोअर वैल्यूज आती है, बहुत कम वैल्यूज आती है, पर आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इसमें क्लियरेंस होगा, इसी का हेल्प लेके हम लोग और भी सारी वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब आप लोग टाइट बाइंडिंग थ्योरी पढ़ते हो, टाइट बाइंडिंग थ्योरी, टाइट बाइंडिंग थ्योरी, तो उसमें आप लोग इफेक्टिव मास का एक्सप्रेशन निकालते हो, क्या निकालते हो, डी स्क्वायर निकालते हो, किससे, एम एच कट स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, डी डबल डिफरेंशिएशन निकालते हो ना, मेरे मतलब का मतलब है लाइक दिस, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन है, के का एक्सप्रेशन है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये तो एम का हो गया, लेकिन अगर मैं इसको एम ई और एम एच करूं तो एम ई के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर कंडक्शन की करंट एनर्जी आएगी, याद रखना यहाँ पर कंडक्शन की एनर्जी आएगी, और जबकि अगर मैं एम एच की बात करूं तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर बाई डी टू ई बाई डी वैलेंस का आ जाएगा के टर्म में, ठीक है, ये दो चीज याद रखना, ये दो चीज याद रखना कि जब हम, जब हम इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिव मास करते हैं तब हम लोग एनर्जी लेवल किसका लेते हैं, कंडक्शन का लेते हैं, और जब आपके होल्स की बात करते हैं तो हम किसका लेते हैं, हम इसका लेते हैं, आपके वैलेंस का लेते हैं, ओके इतना क्लियर है आपको, टेल मी, इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो वैल्यूज निकालते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मैं दिखाऊंगी कैसे हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन करते हैं आपके मोबिलिटी पर, मोबिलिटी पर क्या डिपेंड करता है। देखो मैंने अभी आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिव मास होती है वो लेस होती है होल्स के इफेक्टिव मास से, ठीक है, और हम जानते हैं जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, टाउ ई बाई एम स्टार, टाउ ई बाई एम स्टार होगी। तो अगर मैं, और ये क्या होगी, ये है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। देखो चार्ज तो दोनों में एक ही कैरी करेगा ना, चाहे वो होल हो या चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज का जो अमाउंट है 1.6 वाला वो तो सेम ही रहेगा, राइट, वो तो आपका सेम ही रहेगा।
सो व्हाट आई विल से कि अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, म्यू और एम में एक इनवर्स रिलेशनशिप है. तो अगर मैं कह रही हूँ कि एम ई इज लेस देन एम एच, सो दिस इम्प्लॉयज दैट म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच. ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है. ये कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, जैसे कि आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, या कुछ कंसेप्ट्स ऑप्शन दे देंगे गेट में, जिनका ये कंसेप्ट दिमाग में रहने से ही हम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, सो ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस में ये कभी कभी आ जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एनर्जी लेवल की पोजिशन क्या रहेगी, एनर्जी लेवल की पोजीशन क्या रहेगी अगर मैं एक ये बात करूं कि आपका ये वाला इक्वेशन पर है. इसमें मैंने आपको बोला है अभी कि देखो ये एक स्मॉल क्वांटिटी आ गई. ठीक है, ये एक स्मॉल क्वांटिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं कि हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, मिड बैंड गैप हो गया. बैंड गैप अगर मैं बोलूँ ई सी माइनस ई बी अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, मिडवे हो जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई जी बाई टू लिख सकते हैं, इसको ई जी बाई टू लिख सकते हैं, और इसको 3/4 और के बी टी के साथ ले सकते हैं. अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर ये कह दूं अगर कि मेरा ये बेटा क्या है, टेम्परेचर टी पर है. ठीक है, मेरा ये टेम्परेचर टी पर है. तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी वैल्यूज है जहाँ पर टी इज नॉट जीरो है, तो अगर टी नॉट जीरो है तो ये चीज आ जाएगी, टी अगर जीरो है तो ये चीज पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी और ये मिडवे पे रह जाएगा. ये दोनों चीज हमेशा दिमाग में क्लियर रखना. अब आ जाओ कैरियर कंसंट्रेशन की बात आएगी. जब कैरियर कंसंट्रेशन की बात आएगी तो हमारे पास दो चीजें रहती है. कैरियर कंसंट्रेशन में क्या रहेगा, एन रहेगा और एन पी रहेगा, एन रहेगा या एन सी रहेगा, एम बी रहेगा. ठीक है, एन सी और एन बी क्या है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द योर बैलेंस बैंड एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन योर कंडक्शन बैंड. चलो इस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं. कैरियर कंसंट्रेशन, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी. याद रखना ये आपका जो इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास बहुत पूछा जाता है. ठीक है, और कभी इफेक्टिव मास निकालने को दिया जाता है, इफेक्टिव मास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हेडिंग डालिए कैरियर कंसंट्रेशन. ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन क्या कह रहा है कि किसी भी इफेक्टिव मास या इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे दो चीजें पहले कीवर्ड आती है, एन सी और एन बी. ये क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड याद रखना सीधी, और ये सेम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड. ठीक है, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोल रही है इफेक्टिव. अब क्या ये मुझे बता सकते हो कि अगर मैं ये बोलूं कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास एन आई एंड पी आई दो क्या है, होल्स के कंसंट्रेशन है और एक इलेक्ट्रॉन्स के होल कंसंट्रेशन है. ठीक है, तो क्या ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर, टेम्परेचर इफेक्ट क्या करेगा. मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो मेरा एन आई एंड पी आई भी बढ़ेगा, एन आई एंड पी आई भी बढ़ेगा. और हम एन सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आप लोग डिराइव करते हो, इवन मैंने एक्सप्रेशन भी लिखाया था. क्या लिखाया था भाई, ये हम लोग वो फोरियर वाला इंटीग्रेशन से निकालते हैं ना, 2πme² अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, एच कट स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, के बी टी, सॉरी यहाँ पे एच कट नहीं होगा, एच होगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पावर 3/2 आ जाती है. और ये क्या आ जाती है यहाँ पे बताओ, ये एम ई की बात चल रही है हमारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं एन बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2π, तब हम होल के इफेक्टिव मास की बात करेंगे और एच स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे के बी टी आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/2. ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, याद रहना डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, कैपिटल एन और एन बी क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, डोंट मिक्स देम. ठीक है,
अब मैं कहूंगी जब हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात आ रही है, यहीं पे बात आती है आपके लॉ ऑफ मास एक्शन की। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इन चीजों को दूसरे एक्सप्रेशंस में ले जाती हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है? आपको पता है कि अगर इंट्रिंसिक की बात चल रही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, Ni इज इक्वल टू Pi हो जाएगा। जब Ni Pi के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों मल्टीपल्स में आ जाएंगे ना, तो टू टाइम्स हो जाएगा और साथ में 2πkBT/h2 ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास इफेक्टिव मास वाला भी प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो जाएगा, Me स्टार और Mh स्टार के 3/4 आएगा। बताओ भाई 3/4 आएगा, 3/4 आएगा, तभी वहां पे जाके क्या होता है, फर्मी लेवल 3/4 + 3/4 times आती है ना, +3/4 times आती है। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया। तो अब मुझे क्या ये हम बता सकते हैं, और साथ में यहाँ पर बैंड गैप वाला एक्सप्रेशन आएगा, बैंड गैप वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ कोई, e^-kBT/kBT/ याद करिए, ग्रेजुएशन में आप ये एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट इन ग्रेजुएशन क्या निकालते थे, एक थर्मोमीटर डिप करते थे और हम लोग बोलते थे कि सेमीकंडक्टर का, अरे सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, दोनों में से किसी एक का ईजी निकालो, तो आप लोग क्या करते थे, एक नेगेटिव बैंड गैप ड्रॉ करते थे और स्लोप से निकालते थे ईजी को, एक में 1/T ले देते, यहाँ पे Ni या Pi ले लेते थे, याद आया? So what I am trying to say कि हम लोग अगर इवन बैंड गैप का एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, आई थिंक एक किसी साल के गेट के पेपर में आया था और किसी साल के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया हुआ है कि बैंड गैप निकालो। ठीक है, या कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में बच्चों से पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह में भी कि सारे एक्सप्रेशन दिए हैं, बैंड गैप का रिलेशन निकालो, मतलब लॉन वगैरह में दिए रहते हैं तो निकालो, क्लियर है? तो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप से आप लोग निकालते हो ईजी को। ठीक, तो ईजी के निकालने का एक्सप्रेशन जब हमारा ये चीज आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को एक वो ले लो, क्या कहते हैं आपका कांस्टेंट टर्म ले लो, टी की पावर क्या रह रही है, टी की पावर 3/2 में आ रही है, इस चीज को हम पूरा एक कॉन्स्टेंट ले सकते हैं ना, पूरा कॉन्स्टेंट ले लिया, तो ये क्या आ गया हमारा, देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं क्या, कि एन आई को ले लो, अगर एक कांस्टेंट आया e^-3/2i e^-eg/2kBT। ठीक है, इज देयर इज एनी कंफ्यूजन देन टेल मी राइट नाउ, इज देयर इज एनी कंफ्यूजन देन टेल मी राइट नाउ। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ कमेंट, राइट, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर समझने में देन गिव मी अ कमेंट। अब देखो जब हम लॉन लेने की बात करेंगे, हमने कोई एक्सप्रेशन बोला था, ओके हो गया, तो अब देख लेना। ठीक है, अब अगर बोलो कि इसमें अगर लॉन ले दें, मतलब लॉन एन दोनों का लॉगरिथमिक वैल्यूज ले लें, तो अगर मैं इसको साफ कर देते हैं देन वी विल गो फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि लो टेम्परेचर पर क्या आएगा, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डिवाई और आइंस्टाइन को पढ़ चुके थे, तो डिवाई और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जब था तो हमारा मोर एक्यूरेट जो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर काम कर रहा था वो क्या था, हमारा डिवाई था। तो डिवाई क्या, एक बाउंड्री आ गई ना, लो टेम्परेचर हम किसे कहेंगे और हाई टेम्परेचर हम किसे कहेंगे, राइट, डिवाई जो है एक बाउंड्री लेवल आ गई, डिवाई टेम्परेचर, डिवाई टेम्परेचर को हम कह सकते हैं डिवाई टेम्परेचर दो की हम थीटा डी से शो कर रहे थे, ये क्या करेगी, बाउंड्री क्रिएट करेगी, बाउंड्री क्रिएट करेगी किसके बीच में, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के बीच में बाउंड्री क्रिएट करेगी बेटा। ठीक है, तो इसी को एक्चुअली मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या डिपेंडेंसी आएगी। तो अगर मैं जो पहले जो हमारा इक्वेशन था उस इक्वेशन में अगर हम ये कह दें कि लॉन एन आई क्या हो जाएगा भाई, ए का भी हो जाएगा, प्लस जो पावर थी हमारी, पावर क्या थी, 3/2 थी, किसके ऊपर थी, 3/2 किसके ऊपर थी, टी के ऊपर थी, तो लॉन टी हो जाएगा, साथ में ई टू द पावर जी था,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस ईजी अपॉन टू के बी टी, और यही बेटा एक्सप्रेशन आप लोग यूज करते हो, यही एक्सप्रेशन आप जो बैंड गैप है उसके ऊपर यूज करते हो। और इसीलिए मैंने अभी बोला था आपको कि अगर मैं टी को इंक्रीज करूंगी तो मेरा एन आई भी इंक्रीज करेगा, वो भी कैसे इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, याद रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर क्या डिफरेंस आएगा, इफेक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो मैंने ऑलरेडी क्लासेस में आपको ये डिस्कस कर चुका है कि हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ऐसे बनता है, ये क्या भाग आ जाता है हमारा थीटा डी आ जाता है, ये क्या हो जाता है डी इस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सिग्मा इस प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर, इंट्रिंसिक का ले रहे हैं, एक आ जाएगा हमारा माइनस थ्री बाई टू होगा कि प्लस थ्री बाई टू होगा, टेन में माइनस थ्री बाई टू घटनेगा, घटेगा थ्री बाई टू के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा आई जो प्रोपोर्शनल होगा थ्री बाई टू के हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड क्या है हमारी लोअर टेम्परेचर साइड है, बिलो डिवाइन है, और ये साइड क्या है हमारी हायर टेम्परेचर साइड है। ठीक है, ये तो टी का एक्सिस हो जाएगा आपके, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोबिलिटी म्यू ही ले लो या म्यू एच का ले लो। तो मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सिग्मा होती है वो क्या होती है, दोनों का होगा। अब इसमें क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, तो यहाँ पर म्यू ई भी होगा और म्यू एच भी होगा, लेकिन एक आएगा अपने कंसंट्रेशन एन ई के साथ, एक आएगा अपने कंसंट्रेशन पी ई के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग एन ई म्यू ई प्लस एन एच, सॉरी पी एच म्यू एच। ठीक है, देखो ये बाद में मॉडल मॉडिफाइड हो जाएगा जब हम एक्सट्रिंसिक में जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दोनों का कंसंट्रेशन बेटा बराबर हो जाता है, जब दोनों का ही कंसंट्रेशन हमारा बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, सॉरी इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, तो एन आई इज इक्वल टू पी आई हो जाएगा। तो एन दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई ले सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे एन आई दोनों से कॉमन, ठीक है, और ई कॉमन ले लेंगे तो म्यू ई प्लस म्यू एच बनेगा। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ये याद रहे। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करवाता है हर एक बच्चों से, ये क्वेश्चन हर एक बच्चों से कंफ्यूजन करवाता है। तो याद रहे जो डिवाइड एट रूम टेम्परेचर पर जो वेरिएशन होगा वो हायर टेम्परेचर के रेंज में होगा, मतलब डिवाई के हायर टेम्परेचर के रेंज में होगा, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका मतलब जो डिपेंडेंसी आएगी, इसका जो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताओ, इसको जब हम देख कंक्लूड कर सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोल दो, और हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मतलब टी जो है ग्रेटर देन थीटा डी है, तो इस पे क्या हो जाएगा, सिग्मा आई जो होगा प्रोपोर्शनल होगा थ्री बाई टू के, सिग्मा आई जो होगा प्रोपोर्शनल होगा थ्री बाई टू के। इज दिस क्लियर टू यू ऑल नॉट, टेल मी। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बताओ, टेल मी एनीबडी, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा ई आई जो ऑलरेडी हम कह रहे हैं, सिग्मा आई हमारा क्या था, सिग्मा आई हमारा ए ई टू द पावर, ए ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी था, के बी टी था एक के लिए, प्लस बी ई टू द पावर लोअर टेम्परेचर प्लस हायर टेम्परेचर माइनस ई जी बाई के बी टी था। ठीक है, साथ में क्या आएगा, साथ में हमारा बताओ भाई ई आएगा ना, साथ में हमारा ई भी तो आएगा, साथ में हमारा ई भी तो आएगा, क्या निकाल रहे हैं हम, ये हम निकाल रहे हैं एन आई, ये हम निकाल रहे हैं एन आई, सॉरी सिग्मा आई, कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, अभी हमने कंडक्टिविटी निकाला। ठीक है, इट इज विजिबल, राइट, इट इज विजिबल फॉर एवरीबॉडी। तो जब फाइनली इन दोनों में होगा तो हमारा एक चीज तो कैंसिल हो जाएगी, और जो एक चीज कैंसिल हो जाएगी वो बचेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर एक चीज हम लिखना नहीं भूले, यहाँ पे टी थ्री बाई टू के होगा और यहाँ पे टी किसके हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू के, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई हमारी,
तो साथ में क्या बचेगा तुम्हारा, ए बी ई, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा आई हो जाएगा ए बी ई, तीनों तो हमारे वैल्यूज आ जाएंगे, लेकिन साथ में ई टू द पावर माइनस ई जी बाई टू के बी टी। ठीक है, ये हमारा इंट्रिंसिक का कंडक्टिविटी आया। इज दिस ओके टू यू और नॉट, टेल मी। ओके है ना, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा सिग्मा आई बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, जो कि हम अपने इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि बोला गया है कि सेमीकंडक्टर का, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपका इस्तेमाल करना है इसमें। चलो मैं एग्जाम में शायद पूछा जाता है, या आई थिंक एग्जाम में मैंने शायद बहुत बड़ा बोल दिया, एंट्रेंस टेस्ट में पूछ लिया जाएगा एमएससी के। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में भी एंट्रेंस टेस्ट में, या ये आपका सीयूसी का एग्जांपल है, क्वेश्चन हो सकता है क्या, कि अगर सोचो तुम्हारा दे दिया जाए फर्मी लेवल, पूछ रहा है फर्मी लेवल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एज एनर्जी बाउंड्री, एज एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, क्वेश्चन है ये बैंड। ठीक है, लेकिन उसने टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर एक का दिया हुआ है 300 केल्विन पर, टेम्परेचर पर 300 केल्विन टेम्परेचर पर, और साथ में उसने बोला है कि तुम्हारा जो ईजी है किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ईजी ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो क्या है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बता दो भाई, अभी बताया था ये किसका हो जाता है, जर्मेनियम का। ठीक है, सेकंड का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, सो अब बताओ कैसे निकालोगे फर्मी एनर्जी, हमने अभी बताया। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है कि एम ई जो है टाइम्स ऑफ किसका, सोच लो कि 4-5 कुछ भी ले लो, एम एच, ठीक है कुछ भी ले लो, मुझे याद नहीं आ रहा कितना दिया हुआ था। सो अब बताओ हमारे पास क्या है, फर्मी लेवल की पोजीशन किसी भी टेम्परेचर टी पर, मैंने बोला था ई जी बाई टू प्लस 3/4 लॉन किसका हो जाएगा, पहले तो के बी टी लिख लो, इंटू लॉन ऑफ एम एच स्टार अपॉन एम ई स्टार। सिचुएशन ऐसी है तो ये क्या हो जाएगा, बस इसमें सारे फॉर्मूले बना दो, के बी टी हम जानते हैं 1.38 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, टेल मी, -22 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें बैठा देंगे तो मेरा ये आंसर निकल जाएगा, मेरा ये आंसर निकल जाएगा। जब देखना आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी ये वैल्यूज बहुत स्मॉल आएंगी, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी, और ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका कहीं पर दिया हुआ क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा कि हम लोगों ने कहाँ पे इसको पढ़ा था, किसी सी ओ सी ए टी के क्वेश्चन में था या किसी यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस में था। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जब हम लोअर टेम्परेचर की बात करते हैं तब हमारे पास कैसी स्कैटरिंग होती है, सेमी कंडक्टर में विशेषतः पूछते हैं, कभी कभार गेट में पूछ लेते हैं, क्या नोट बना के लिख लो, नोट क्या कि अगर ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है, अगर ये सेमीकंडक्टर है तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, लो टेम्परेचर पर ये करेगा आपका इम्प्योरिटी की स्कैटरिंग करेगा, इम्प्योरिटी की स्कैटरिंग, देयर विल बी अ स्कैटरिंग ऑफ इम्प्योरिटी। बट व्हेन इट इज अ हायर टेम्परेचर तो बताओ भाई हायर टेम्परेचर कैसे स्कैटरिंग होगी, एक तो तुम्हारी लैटिस की स्कैटरिंग होगी, या तुम बोल सकते हो फोनॉन की स्कैटरिंग हो जाएगी, तो लैटिस स्कैटरिंग और योर फोन ऑन स्कैटरिंग, ये सारे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जो ऑप्शंस में आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा भाई, अब जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हम लोग कंसंट्रेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या करता है, या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन का डोपिंग करेगा, या एक्सेस होल्स सॉरी लेसर इलेक्ट्रॉन नंबर का ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग करेगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कह रहा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहा है मैं एन टाइप का होऊंगा और मैं पी टाइप का होऊंगा, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप क्या कह रहा है बेटा, एन टाइप कह रहा है कि मेरे पास अगर कोई इंट्रिंसिक जर्मेनियम और सिलिकन है तो मैं इसमें आपके पेंटावैलेंट डोपिंग करूंगा, पेंटावैलेंट डोपिंग करूंगा, ठीक है। और अगर ये मेरा कोई भी इंट्रिंसिक जर्मेनियम और सिलिकन है इंट्रिंसिक, तो इसमें मैं डोपिंग कर रहा हूँ, इसको मैं डोपिंग कर रहा हूँ, इसको मैं डोपिंग कर रहा हूँ, किससे डोपिंग करूंगा, आपके ट्राइवेलेंट से, ट्राइवेलेंट से डोपिंग करूंगा, ठीक है, ट्राइवेलेंट एटम से डोपिंग करूंगा एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूं डोपिंग की तो मैंने अभी बताया था इसमें फास्फोरस आर्सेनिक, ठीक है, इसमें फास्फोरस आर्सेनिक, फास्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल मी एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसमें इनकी डोपिंग होगी। अब जब इसमें इनकी डोपिंग होगी और इसमें क्या होगा ट्राइवेलेंट की, इस सेक्शन को हम लोग बाद में लेते हैं, पहले हम इस सेक्शन को लेते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में हम लोग एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब जब ये होगा तो ये क्या देगा, ये डोनर्स एनर्जी लेवल्स देंगे, डोनर एनर्जी लेवल्स देंगे। जब ये एनर्जी लेवल्स डोनर में देंगे तो अब यहाँ पे फर्मी लेवल का क्या कंसेप्ट आया। देखो मैंने पहले भी बोला था कि फर्मी लेवल में हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो मिडिल में रहेगा फिल्ड और अनफिल्ड किया, तो ये अगर हमारा कंडक्शन, ये हमारा बैलेंस, ये हमारा कंडक्शन, इनके बीच में कोई भी एक इंट्रिंसिक लेवल रहेगा, टेल मी इनके बीच में कोई एक इंट्रिंसिक लेवल रहेगा। लेकिन जब हम डोनर एटम्स को दे रहे हैं तो डोनर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे क्योंकि पेंटावेलेंट से हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास इस यहाँ पर एक तुम्हारा डोनर एनर्जी लेवल आ जाएगा। तो डोनर एनर्जी लेवल के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े रहेंगे ना, फिल्ड रहेगा, फिल्ड रहेगा, जबकि ये कंडक्शन बैंड है बेटा, तो कंडक्शन बैंड के पास तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इस अनफिल्ड फिल्ड और अनफिल्ड के जो बीच में होगा वो हमारा फर्मी लेवल होगा, वो हमारा फर्मी, बात तो अभी भी वही है कि फर्मी लेवल हमारा बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर बात किस चीज की आ गई, ये बात आ गई डोनर लेवल की। तो ये क्या है फर्मी लेवल, ये है डोनर लेवल, ये है इंट्रिंसिक लेवल, इंट्रिंसिक लेवल, ये है कंडक्शन, सॉरी वैलेंस लेवल, और ये है आपका कंडक्शन लेवल, कंडक्शन लेवल, ठीक है, ये आपका कंडक्शन लेवल हो गया। तो अभी भी फर्मी लेवल क्या है, इन दोनों के बीच में है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि अब मुझे बताओ कि जब यहाँ पे फिक्स कौन सी चीज है और हम लोग हिला किसको सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब उसने अपना पेंटावेलेंट से डोपिंग कर चुका है, इसका मतलब है चार तो वैलेंस अपने साथ जुड़ लिए, लेकिन एक्स्ट्रा एक बचा हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा है वो तो अपना फिक्स एनर्जी लेवल बना रखा है, लेकिन लेकिन ये भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो भी अपना फिक्स एनर्जी लेवल बना रहा है, लेकिन फर्मी लेवल के पास ऑप्शन है ना मूव करने की, कि फर्मी लेवल मैं तो वहां सेट होऊंगा जब अनफिल्ड और फिल्ड के बीच की डिस्टेंस जो है वो हाफ रहेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखूंगी, कंक्लूजन लिखूंगी कि जब भी डोपिंग का केस आएगा एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो ई डी एंड ई आई इज ऑलवेज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, लेकिन जब भी हम ई एफ की बात करेंगे तो वो क्या होगा, मूवेबल होगा, मूवेबल एनर्जी लेवल, मूवेबल एनर्जी लेवल की तरह काम करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी, ये क्लियर है ना, तो देखो अब जब ऐसी बात आ गई और हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पर एक आयनाइज्ड की बात आ गई, मतलब क्या है कि जैसे ही हम डोपिंग करेंगे, अब देखो मैं एटम जब आएंगे तो एटम इनिशियली क्या रहते हैं, इनिशियली एटम क्या रहेगा, एटम रहेगा न्यूट्रल,
ठीक है। लेकिन जब हम इसमें डोपिंग करवा दिए, किसमें डोपिंग करवाए हैं, डोपिंग करवाए हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ये क्या बना, एक पी टाइप का प्लस आयन बना प्लस एक इलेक्ट्रॉन बना, याद रहे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनडी कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, एनडी कहेंगे। ये एनडी तो तुम्हारा खैर बाद में तुम ये सोचना, सोचो कि ये आयंस हैं जो कि लिबरेट हुए, फिर इसका कंसंट्रेशन आएगा पी और एन में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना देखो कि ये तुम्हारे आयंस हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब पॉजिटिवली एनडी बनेगा, पॉजिटिव एनडी बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि जब ये पॉजिटिव एनडी बनेगा तो यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ से एक उधर जाएगा तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। एक तो हमें क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, एक तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहाइंड करेंगे, लीव करेंगे। जब आयंस हमारा एक से दूसरे एनर्जी लेवल्स में जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे लूजली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, ठीक है, पेंटावेलेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लैटिस से क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स लैटिस से लूजली बाउंड होंगे तो जब यहाँ से दूसरी तरफ टाइट बाइंडिंग बाउंड से इलेक्ट्रॉन्स जब लीव करेगा, देखो यहाँ से जब लीव करेगा तो पीछे एक क्या छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स छोड़ेगा, और यहाँ से जब जाएगा तो पीछे एक होल छोड़ के जाएगा, ठीक है। आयनाइज जब हो रहा है तो एक आयंस बना रहा है, एक ये बना रहा है, राइट। लेकिन तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनडी है, एनडी जो है वो डोनर का कंसंट्रेशन है, एनडी जो है डोनर का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक है। एनडी जो है वो हमारा डोनर का कंसंट्रेशन है, और ये कैसे होगा, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हम लोग ऐसा यूनिट लेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ओके आई एम जस्ट रबिंग दैट साइड, यहाँ पर क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एक्सेस है या ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो तुम्हारा एनडी देगा प्लस एक तुम्हारा एनआई से आएगा, एनडी से आएगा और एनआई से आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा, इसका मतलब ये तुम्हारा इंट्रिंसिक ही आएगा। तो यहाँ पर जो एन वैल्यू ले रहे थे वो ये हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो तुम्हारी एनडी प्लस एनआई आ जाएगी। याद रहे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं तो इससे आपको हेल्प आ जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हम लोग डोपिंग कराएंगे पेंटावेलेंट से। पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है, जिसमें कि जो हमें डोनर एनर्जी लेवल देगा। अब जब डोनर एनर्जी लेवल देगा तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, लेकिन बीच में एक ये तो आपका इंट्रिंसिक बैंड एनर्जी लेवल वो तो बीच में आएगा, लेकिन ये जो डोनर एनर्जी लेवल है और फर्मी लेवल का डेफिनेशन होता है कि मैं फिल्ड और अनफिल्ड के बीच में रहूंगा, तो यहाँ पर फर्मी लेवल रहेगा लेकिन यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो रहेंगे कोर्स में जो रहेंगे वो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर क्या है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो जड़ से चले जाएंगे। तो ये जब जाएगा टेम्परेचर इंक्रीमेंट के बाद तो पीछे एक होल छोड़ेगा और यहाँ पर पेयर्स निकलेंगे। तो फिक्स क्या हो गया, इंट्रिंसिक बैंड और डोनर बैंड फिक्स हो गए हमारे, और ये हमारा जो कंसंट्रेशन बना फ्री इलेक्ट्रॉन का वो एन बना। और हमने ये भी कहा कि एनडी जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का जो डोनर एटम्स हैं उनका कंसंट्रेशन है। अच्छा अब देखो एक बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स जब बैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ेंगे। देखो मैंने अभी इस चीज को बताया था कि यहाँ पर जब यहाँ से वहां जाएंगे तो ये क्या है, टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड है। जब ये टाइटली बाउंड है तो ये जाएगा तो सिर्फ एक पीछे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे एक होल छोड़ेगा, लेकिन जब ये यहाँ से जाएगा ऊपर तो ये क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है बेटा,
तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब यहां से ऊपर जाएगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, लीव्स बिहाइंड इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। तो जब यहां पर और यहां पर, ठीक है, ये सारी चीज आप याद रखना। तो यहां पर मेजॉरिटी कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर मेजॉरिटी कंसंट्रेशन हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें मिला क्या है, डोनर कंसंट्रेशन मिल रहा है। सो आई एम रबिंग ऑल दिस थिंग्स एंड राइटिंग इन अ फ्रेश। देखो मेजॉरिटी कैरियर क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है हमारा क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन है। जब मेजॉरिटी कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो हम हमेशा ये कहेंगे, याद रखना कि मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वही तुम्हारा डोपिंग का कंसंट्रेशन होगा। मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वही हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मेजॉरिटी कैरियर मतलब एन है, तो डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, एन डी होगा। ये कब होगा, ये होगा एक्सट्रिंसिक के समय, एक्सट्रिंसिक। फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक्सट्रिंसिक रीजन के समय ये कंसंट्रेशन होगा, बाकी जो वैलिड जो प्रूव करूंगी अभी वो वैलिड नहीं है, ठीक है। एनडी के बराबर हो जाएगा, इतना क्लियर है। लेकिन अब आओ माइनॉरिटी कैरियर्स, जब हम लोग एक्सट्रिंसिक के एन टाइप की बात कर रहे हैं, ये हम लोग एन टाइप की बात कर रहे हैं तब की, लेकिन ये जो है ये एन टाइप पी टाइप दोनों में, एन टाइप और पी टाइप दोनों में ही वैलिड है, दोनों में ही वैलिड है। तो अगर मैं एन टाइप की बात करूं, तो एन टाइप में मेजॉरिटी तो ये हो गया, लेकिन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी तो हमारे प्लस वाले चार्ज है। तो माइनॉरिटी जब चार्ज प्लस वाले हैं तो इनका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इनका कैलकुलेशन हम लॉ ऑफ मास एक्शन से कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन अभी मैंने बताया था कि एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन और पी, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी। तो हमारा क्या है, एन तो निकल गया इससे, तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन एन, एन आई स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, नॉट टेल मी। सो ये तो तुम्हारा हो गया एन टाइप पी टाइप के बारे में। लेकिन अगर ये पूछा जाए, कि जब एन आई इज इक्वल टू पी आई है, जब एन आई इज इक्वल टू पी आई है, मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तब हमारी बात क्या आएगी बताओ, तब हमारी क्या बात आएगी। तो हमारे पास ई एफ जो हो जाएगा, ई और ई सी के बीच में होगा, ठीक है। तो हमारा जो डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एक बात इसमें और है, देखो एक ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ऐसा क्या होता है कि ऐसे करके इंक्रीज करके ऐसा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इतना रीजन जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर जो इतना रीजन है ये तो टेम्परेचर वाला रीजन, टेम्परेचर रीजन है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये कंसंट्रेशन का रीजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ थोड़ा सा और ऐसे बनेगा, तो ये जो रीजन है यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन रीजन है, ठीक है। तो आयनाइजेशन रीजन में मैंने अभी बताया था कि एक न्यूट्रल पी एटम जो है आयनाइज हो रहा है, कैसे, पी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस में। लेकिन ये रीजन जो हुआ आपका, ये रीजन हुआ यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट काम करेगा सर, ये वाला पार्ट एन इज इक्वल टू एन डी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सट्रिंसिक रीजन है, एक्सट्रिंसिक रीजन है। लेकिन फर्दर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब एन जो है अब क्या है, बढ़ता जा रहा है एनडी के, मतलब एनआई वाला जो कंसेप्ट है वो आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पर इंट्रिंसिक जो कंसंट्रेशन था वो आपका बढ़ता जा रहा है एनडी से, डोनर से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फिर से इंट्रिंसिक रीजन आ जा रही है, इंट्रिंसिक रीजन आ जा रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास इन लोअर टेम्परेचर में भी कोई काम नहीं कर सकते, लोअर टेम्परेचर में भी हम सेमी कंडक्टर को नहीं यूज कर रहे हैं, नॉट यूजिंग, यूज हम इसको कर रहे हैं, वी यूज इन दिस रीजन, ठीक है। और ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ये भी हमारे इसी रीजन के लिए वैलिड है, ये भी हमारे इसी रीजन के लिए वैलिड है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। यहाँ पर क्या है, एन इज इक्वल टू एन डी है, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरा जो मेजॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर हम लोग इससे निकाल रहे हैं, और हम एक एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को
एक्सट्रिंसिक में चेंज करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज करेंगे, कैसे? डोपिंग के द्वारा। और हम एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज करेंगे या तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, या फिर हम उसमें, आप बोलोगे कि मैम रिवर्स डोपिंग करवा दो उसमें, ठीक है। सो बट एनी हाउ दिस इज द मोस्ट फेवरेबल, क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करवा दो, तो हमारा ये रीजन बन जाएगा। पर हमें काम किसी का नहीं पड़ेगा, हमें इन दोनों रीजन का कोई काम नहीं पड़ता, हमें मेनली इसी रीजन का काम पड़ता है। ओके, अब देखो एक तीसरे टाइप का होता है मिक्स सेमीकंडक्टर, जो कि मुझे आज नहीं लगता हो पाएगा। हम लोग इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, ओके, वी विल कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो। फिर हम लोग इसमें थोड़े से और क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जो हमारे गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड बिलीव मी, जब आप ये सॉल्व कर लोगे, ये चैप्टर का पार्ट बहुत ही छोटा है, ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट बेटा बहुत छोटा है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिकी भी नहीं कह सकते, ये कंसेप्ट वाइज है। तो आप लगातार जब एक होल पढ़ लेते हो तो ये आपका यहीं पर कम्प्लीट हो जाए, बिलीव मी ये चीज़ यहीं पर कम्प्लीट हो जाएगी, आपको फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कंसंट्रेट ओवर इट, राइट। वी विल डिस्कस सम ऑफ द की क्वेश्चंस प्रीवियसली। देखो मुझे, मैंने सर्च किया, मुझे दो चीज़ें आप लोगों को करानी है बेटा, ऑनलाइन आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप लोग प्लीज डोंट मिस द क्लासेस। हमको दो चीज़ करानी है, एक करवानी है आप लोग को इसके सेमी कंडक्टर जो कि सॉलिड में प्लस होके आता है उसके क्वेश्चन करवाने हैं आपको, और प्लस मुझे आपको करवाने हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के मोर क्वेश्चंस, जो आजकल ट्रेंड बना है, जो एनटीए का जो ट्रेंड बना है, इवन जो गेट में भी जो ट्रेंड बना है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई एम ओवरिंग दिस क्लास राइट नाउ, हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।